नमस्कार साथियों, आज इस वर्चुअल कक्षा में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वो एमए के छात्रों के लिए है, और जिसमें हम यूनिट 5 जो आपकी है व्यापार चक्रों की प्रकृति एवं सिद्धांत के बारे में, बिजनेस साइकिल और उसके जो थ्योरीज हैं उसको लेकर आए हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी इन बैंकिंग वाला जो पेपर है उसका ये है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इस टॉपिक में जो हमारा जिस पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो बिजनेस साइकिल का क्या अर्थ है, व्यापार चक्र का क्या अर्थ है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और व्यापार चक्र के बारे में किन किन अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनका एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा जाएगा। और लेक्चर के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिन पर हम आपसे क्वेरीज करेंगे या आपसे कुछ पूछेंगे। तो सबसे पहले हम व्यापार चक्र का क्या अर्थ है और ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जो बाजार पर आधारित रहती है, यानी कि जिसमें बाजार की शक्तियां मुख्य रूप से कार्य करती हैं। और दूसरी समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें स्टेट इकोनॉमी यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीतियां ज़्यादा प्रबल होती हैं, ज़्यादा बलशाली रहती हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। और तीसरी अर्थव्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें राज्य भी अपना उत्पादन की क्रियाओं में कार्य और निजी क्षेत्र के लोग भी उसमें काम करते हैं। लेकिन व्यापार चक्र का जो अध्ययन है वो सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अंग है, यानी कि जहाँ जिस देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती हो उस अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की व्यापार चक्र की स्थिति को देखने को मिलता है। लेकिन ये दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में भी इसको लागू करने का प्रयास किया गया है। दूसरा इसमें बात होता है कि व्यापार चक्र के बारे में तेजी और मंदी से संबंधित रहता है। तेजी से तात्पर्य ये रहता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार वृद्धि होती रहे, उत्पादन में वृद्धि होती रहे, आय में वृद्धि रहे, उपभोग के स्तर में वृद्धि होती रहे, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम तेजी की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इन सब संकेतकों के से उत्साहित होकर व्यापारी वर्ग के द्वारा, औद्योगिक वर्ग जो पूंजीपति अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी लोग हैं, वो अधिक से अधिक निवेश करते हैं। और यानी कि सभी के सभी जो आर्थिक विकास के जो कारक हैं, ब्याज दर है, निवेश है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, वो सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी उनके सकारात्मक संकेत होते हैं। तो यानी कि उस स्थिति के अंदर अर्थव्यवस्था अपनी अच्छी गति और पूर्ण रोजगार से नीचे की स्थिति रहती तो और संभावनाएं मौजूद रहती हैं। इसके बाद जो दूसरा मंदी, लेकिन स्थिति हमेशा बनी नहीं रहती, तेजी की स्थिति हमेशा बनी नहीं रहती। शिखर पर आने के बाद या अपेक्स लेवल पर जाने के बाद, पीक पर आने के बाद आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग सकती हैं, आपकी लागत बढ़ने लग सकती है, और कीमतों के साथ साथ जो लागतों का अनुपात ज़्यादा बढ़ता है तो कीमत और लागत को निकालने के बाद जो लाभ बचता है वो कम होने लग जाता है। और ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, मंदी का तात्पर्य होगा कि लाभ कम होने लग जाता है और रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाते हैं, उत्पादन या तो स्टेग्नेट हो जाता है या कम होने लग जाता है, और आय का स्तर भी रुक जाता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि उसमें कहा जाएगा कि ये काल जो है, ये अवधि जो है मंदी की स्थिति में है, और इसको किस तरह से उभारा जाए, किस तरह से देश को इस मंदी की अर्थव्यवस्था से निकाला जाए, और हमें कौन कौन से आर्थिक तरीकों को, कौन से टूल्स को, कौन से टेक्निक्स को, कौन सी आर्थिक नीतियों को अपनाया जाए ताकि हम इस मंदी से निकल जाए। तो सब चीज़ों को, जो तेजी और मंदी जो आती रहती है, इन सब चीज़ों को अर्थशास्त्रियों ने, किंज ने, फ्रीडमैन ने, हैक ने, हार्टर ने, फ्रीडमैन आदि ने,
नाम दिया व्यापार चक्कर का, और उसके कारक अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये समय समय पर होता रहता है, लेकिन इसकी परिभाषा को लेकर, इसकी जो डेफिनेशन को लेकर शास्त्र विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण दिए गए संक्षिप्त रूप में, लेकिन उनका जो सभी का जो सारांश है उनकी परिभाषाओं का, वो सारांश ये है कि व्यापार चक्कर में कुल रोजगार जो होगा उसमें आपके उतार चढ़ाव आते हैं, आय में उतार चढ़ाव आते हैं, उत्पादन में आते हैं, तथा कीमत का जो लेवल है, कीमत का जो स्तर है, उसमें तरंग की तरह, वेव की तरह, जैसे समुद्र में तूफान आता है या समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, कभी ऊपर जा कभी नीचे आ रही, कभी शांत रहती हैं, उस तरह के आवृत्ति उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि आवृत्ति माने रिकरिंग एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं, तेजी आ रही तो तेजी के जुड़ जाएंगे, मंदी आ रही तो मंदी के जुड़ जाते हैं, इस प्रकार के अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और इन्हीं अप एंड डाउन्स को जो है ना व्यापार चक्कर का नाम दिया गया है। ये इसका मतलब सामान्यतः अर्थ यही है। अब दूसरा, इसके अंतर्गत हमने लिया व्यापार चक्कर के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल कौन कौन सी हो सकती है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला जो अल्प किचिन वक्र चक्र नाम है, फिर दीर्घ जुगलर चक्र है, थर्ड जो है अति दीर्घ कौंद्रित चक्र है, फिर चौथा जो भवन संबंधी चक्र है, और पांचवा है कुजनेट चक्र है। यानी कि ये हमारे पांच अलग है, एक सिर्फ भवन संबंधी चक्र को, साइकिल को छोड़ दें, बाकी चाहे वो किचन चक्कर है, चाहे जुगलर चक्कर है, चाहे कौंद्रित्व चक्कर है, और कुजनेट्स हैं, ये सभी अर्थशास्त्रियों के नाम पर है। तो इनको हम आगे व्याख्या कर रहे हैं कि ये अलग किचन चक्कर क्या है और कितनी अवधि का होता है, किसने दिया, कब दिया। तो ये सबसे पहले हम आपको अलग किचन चक्कर आपको हम बताएं, शॉर्ट टाइम पीरियड का रहता है। एक ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोसेफ किचन ने 1923 के अंदर इस बिजनेस साइकिल के इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया, और ये उनके नाम पर ही है अल्प किचन। इनकी उनकी जो थ्योरी थी वो शॉर्ट टाइम पीरियड अल्पकालीन थी, इसलिए और अपने नाम से उनको इसको रखा गया। और इस प्रकार के जो उन्होंने अध्ययन किया ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में, रोजगार को लेकर, आय को लेकर, कीमत को लेकर, उत्पादन को लेकर, उसने कहा कि हर 40 मास के बाद, यानी कि 40 मंथ के बाद, यानी कि आपको जो है एक चक्कर चलते रहते, कभी तेजी आएगी कभी मंदी आएगी, और उसने इसका नाम दिया कि अब तेजी है तो अगले 40 महीने मंदी आ सकती है, या उसके बाद फिर तेजी आ सकती है, अर्थव्यवस्था स्थिर रह सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जोसेफ किचन के अनुसार जो बड़ा चक्कर के दो या तीन चक्कर हो सकते हैं, यानी कि एक वर्ष में 12 मास होते हैं, तो आपका उन्होंने 40 मास का उन्होंने बताया, तो यह कह सकते हो कि आप 5-6 साल का रहता है। तो यानी कि उसमें इस तरह से हमारा ये उत्पादन में, आय में, व्यय में, और इसमें व्यक्तर होता है, इसको लेकर उन्होंने खास तौर पर बात की गई। अब इसके बाद जो है दूसरा है दीर्घ जुगलर चक्र, यानी कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है आपका। और जुगलर नाम के एक फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1862 में इसको दिया, और इन्होंने इसकी जो टाइम पीरियड बताया कि 9 वर्ष का उन्होंने समय दिया कि ये इसमें स्मृति है, संकट है, तथा परिसामन की समापन की जो अवधियां होगी हमेशा एक ही कर्म में एक दूसरे के बाद, यानी कि अगर सर्दी है, यानी कि प्रोस्पेरिटी है, तो उसके कुछ समय के बाद 9 साल के बाद कहता है कि अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ सकता है, और अर्थव्यवस्था को संकट के बाद जो है ना परिसमापन, यानी कि दोनों के, यानी कि संकट से कैसे उभारा जाए, कैसे लिक्विडेशन किया जाए, तो वो अर्थव्यवस्था के आर्थिक नीतियों का, टूल्स का प्रयोग करते हैं और उसको दूर करते हैं। लेकिन ये जो अवधियां हैं उसमें एक के बाद एक ही चीजें आती रहेंगी। और जो ये फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ के जो पाश्चात्य, यानी कि पश्चिमी देश के जो अर्थशास्त्री, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जुगलर की चक्र अवधि है लगभग औसतन
9 वर्ष की रहती है, यानी कि समृद्धि 9 वर्ष तक चलेगी, फिर 9 वर्ष तक संकट हो सकता है, फिर 9 वर्ष तक उसको दोबारा रिकवरी करने में समय लग सकता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है, और समृद्धि से तात्पर्य ये रहता है कि जब आपके उत्पादन में, उपभोग में, इन सब में उल्लेखनीय वृद्धि होती हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि देश में समृद्धि का दौर चल रहा है, प्रोस्पेरिटी का दौर चल रहा है। ये दीर्घ जुगलर चक्र है, ये अति दीर्घ यानी कि वेरी लॉन्ग पौंद्रिक साइकिल है। ये पौंद्रिक जो है रशियन इकोनॉमिक्स थे, 1952 में उन्होंने रशिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और उसमें कंक्लूजन पर पहुंचे कि अति दीर्घकालीन तरंगे भी होती हैं जिनकी अवधि 50 वर्ष से भी अधिक हो सकती है, जो कि 6 जुगलर की बनी रहती है, यानी कि आपकी जुगलर की 9 वर्ष की बताई थी, 9×54 यानी कि एक 9 वर्ष की बताता कि 6 वर्ष की अति दीर्घ, इसलिए उसने 6 गुना अधिक का समय दिया गया। और इसमें जो है 50 वर्ष की अवधि तक कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या समृद्धि चली तो चल रही है, थियोरेटिकल संदर्भ उनका दिया हुआ था। ये भवन संबंधी अध्ययन था, ये रियल्टी सेक्टर को लेकर, रियल्टी सेक्टर में जिसमें आपका पुल है, मकान है, भवन है, इनकी जिसमें हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, उनको लेकर, उस क्षेत्र को लेकर अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया गया, एक वार्ने और पीरसन ने 1937 में काम किया। और भवन संबंधी चक्र भवनों के निर्माण से संबंध रखते हैं, उसको लेकर उन्होंने एक विशेष सेक्टर के बारे में बात की कि आने जैसे आजकल भारत में कहा जा सकता है कि रियल्टी सेक्टर में जो है ना हमें अभी मंदी का सामना करना पड़ रहा और कब तक रहेगी, फिर तथ्यों को लेकर, कारकों को लेकर एक अध्ययन किया गया। अब ये भवन संबंधी जो चक्र की अवधि है वो बहुत ज्यादा नियमित रहती, बहुत अत्यधिक नियमित रहती है, तो ये दो लोगों ने अमरीकी अर्थशास्त्रियों के इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंट्रीब्यूशन किया बिजनेस साइकिल को लेके। अब इसके बाद जो है कुजनेट्स का नाम आपने सुना है होगा, कुजनेट्स एक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों का अध्ययन करके देखा है कि सामान्यतः 16 से 22 वर्ष की अवधि रहती है, यानी कि तो आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था में जो आय कार्य का जो परिवर्तन रहता है, आय में, उत्पादन में, भोग में, इन सब का जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो एक अपने आप में चक्कर कहलाता है, और इस चक्कर की अवधि 40 मास से लेकर 22 से 50 वर्ष की संभावना विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न देशों के अंतर्गत विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करके तो इनके आधार पर ये आपके 5 प्रकार के आपको प्रकार देखने को मिलते हैं, एक आपको किचन का, एक गुल्लर का, एक कुजनेट्स का, एक भवन का और एक कॉन्ट्रैक्ट का, इस तरह से 5 प्रकार के आपके साइकिल के चक्कर है, तो ये आपके प्रकार है। इसके बाद आप लोगों ने सामान्यतः पढ़ा हो तो व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं उसके क्या क्या चरण हो सकते हैं, यानी कि ये इस पे हम चर्चा करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट भी है, आता भी है कि व्यापार चक्र किसे कहते हैं और व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की चित्र के साथ, डायग्राम के साथ व्याख्या कीजिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो व्यापार चक्र की क्या अवस्थाएं हो सकती हैं इसको लेकर हम अब चर्चा करेंगे। प्रकार हमने बता दिया, अर्थ हमने बता दिया, तो 4 स्टेज आपको देखने को मिलेगी, 4 स्टेज, 4 चरण, 4 अवस्थाएं आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। एक आपको मिलेगी विस्तार अथवा समृद्धि अथवा उत्कर्ष, यानी कि आपकी इकोनॉमी के अंदर अपस्विंग है, प्रोस्पेरिटी का है, आपकी समृद्धि है, उत्कर्ष है और जो है ना स्थिति निर्मित होती है, तो ये उसका सुस्ती अथवा ऊपरी मोड़ बिंदु है, जो कि इसके अंतर्गत रिसेशन की बात आती है और जो ऊपर से जो आता है वो मोड़ बिंदु के बारे में बात करता है। तीसरा आपका संकुचन है, और संकुचन के अंदर अथवा मंदी अथवा अपकर्ष की बात उसके अंतर्गत है, और पुनरुत्थान अथवा निचला मोड़ बिंदु, यानी कि इस तरह की 4 अवस्थाएं आपको उसमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो है ना, ये एक डायग्राम है आपके पास,
इस डायग्राम को जो है ना व्यापार चक्कर की अवस्थाएं हैं, इसमें देखिए आप ये डायग्राम हमने रेफरेंस भी दे रखा है, गूगल से लिया हुआ है, और इसमें आपको लेवल ऑफ जीएन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात हम कर सकते हैं वाई एक्स के ऊपर, और एक्स एक्स के ऊपर जो है ना टाइम पीरियड दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, इसको आप बना लें अपने उसमें से। तो देखिए इसमें जो है ना तीन चीजें हैं, तरफ जो होता है आपका अपकर्ष वाला क्षेत्र होता है, निचला बिंदु कह सकते हो, और एक्सटेंशन जो होता है ये एक लाइन डॉटेड जो लाइन दिख रही है एक सामान्य अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है, डॉटेड लाइन फिर ऊपर जा रहा नीचे जा रहा। तो सबसे पहले हम ट्रफ पे देखिए, टी आर ओ यू जी एच, इसका मतलब होता है अपकर्ष, यानी कि निचला बिंदु, यानी कि निम्न दाब, जहाँ की अर्थव्यवस्था सामान्य से भी नीचे काम कर रही है, यानी कि सभी अर्थव्यवस्था के जो विकास के जो कारक हैं उसमें ऋणात्मक प्रभाव दिखाई देता हो, और ये जो एक्सपेंशन तक डॉटेड लाइन है, ये स्थिति जब उसमें आर्थिक नीतियों का पालन किया जाता है, ब्याज की दर को कम किया जाता है, निवेश को बढ़ाया जाता है, पूंजी सीमांत उत्पादकता को ठीक किया जाता है, साख के विस्तार किया जाता है, तो इन सब चीजों से आके आपका जो ऊपर की तरफ जब बढ़ने लगती है तो अपस्विंग कह देते हैं, और जो डॉटेड लाइन के ऊपर जाती है तो जो आके जो है ना कहेंगे कि यहाँ समय संतुलन की स्थिति बन गई, और देखिए ऊपर जाके पीक, यानी कि पीक पर जो है ना अर्थव्यवस्था, यानी कि अब हमारे या बिल्कुल अपस्विंग पे हम पूरे अपकर्ष पे पहुंच गए, ट्रफ और अपकर्ष दोनों अपोजिट स्थिति है, ट्रफ हमारा बिल्कुल निम्न निचले स्तर का बिंदु है और पीक हमारा बिल्कुल उच्च स्तर का बिंदु है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पीक पर आकर, यानी कि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, आय का जबरदस्त वृद्धि हो रही है, उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हो रही है, और आपके जो है ना रोजगार में काफी ऊंची वृद्धि हो रही है, और इस सब के लिए सरकार करती क्या है, तो वो सरकार की अपनी सरकार की या निजी क्षेत्र की जो आर्थिक नीतियां रहती है, सामान्यतः बैंक रेट है आपका, ब्याज दर की है, निवेश की दरें हैं, सीमांत का उत्पादकता है, उसके लिए अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग वो दिए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, तो उसमें जो है ना आप देखेंगे कि तो पीक की स्थिति पहुंचती है और पीक के आपका नीचे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, यानी कि ये आपकी सुस्ती आपकी चल रही, समूचन आपकी एक्सपेंशन जस्ट उसके सामने जो ना आपका कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है संकुचन, यानी कि मंदी सुस्ती की आप बात कर सकते हो, और फिर से हम ट्रफ पे आ जाते हैं, यानी कि फिर से हम निचले स्तर पर आ जाते हैं, और फिर से दोबारा हम इकोनॉमी में जान डालने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते हैं, और आर्थिक विकास के जो कारक हैं उनको आप फिर से परिवर्तन, देखिए इसमें तीन चीजें, ट्रफ है आपका निचला स्तर, फिर एक्सपेंशन है विस्तार, फिर पीक है, और फिर कॉन्ट्रेक्शन है, यानी कि चार चीजें हमने आपको शुरू में बताई थी जो अवस्थाएं हिंदी में जब लिखे थे, तो ट्रफ एक्सपेंशन पीक एंड कॉन्ट्रेक्शन, फिर ट्रफ फिर एक्सपेंशन फिर पीक फिर कॉन्ट्रेक्शन फिर ट्रफ, यानी कि ये डायग्राम आपको दो प्रकार के स्थिति में एक समान बातें बता रहा है, सबसे पहले ट्रफ से स्टार्ट पर गया, पीक पर गया, देन फिर उस इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुआ, ट्रफ का मतलब टी आर ओ जी ओ दिखा हुआ उसका आपका निचले स्तर का, एक्सपेंशन आपका विस्तार, पीक शिखर, और कॉन्ट्रेक्शन माने संकुचन आपका आता है। रुक जाओ, टेक्निकल त्रुटि के लिए खेद है। तो व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं थी उसमें चार अवस्थाएं हम बात कर रहे थे, एक ट्रफ की बात जो निचला बिंदु है आपका अपकर्ष जिसको कह सकते हैं, फिर पेंशन अपस्विंग विस्तार की बात, फिर पीक शिखर, फिर वापस से कॉन्ट्रेक्शन और फिर ट्रफ की बात आती है। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इसको हम किस तरह से व्याख्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम जो ट्रफ है जिसको अंग्रेजी हिंदी में पुनरुत्थान अथवा निचला मोड़ बिंदु मंदी वाला समय होता है, यहाँ से हम स्टार्ट के अंदर
पुनरुत्थान अथवा निचला बिंदु, निचला आपको चार हमने बताया, तो जो फोर्थ जो है उससे हमने स्टार्ट करने का आपको ये बताया, तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट है पुनरुत्थान अथवा निचला मोड़ बिंदु, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको। और ये डायग्राम में जो ट्रफ लिखा हुआ है TROUGH, बार बार आपको स्पेलिंग बोल रहा हूँ, वहां से इसको पुनरुत्थान किस तरह से इकोनॉमी करती है, यहां से हमने इसकी व्याख्या इसमें करने की कोशिश, निचला मोड़ बिंदु यानी कि ये मंदी वाला कह सकते हो आप, ऋणात्मक चीजें होती हैं, यानी कि इस स्थान पर इस समय अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक विकास के जो कारक हैं वो ऋणात्मक होते हैं। आर्थिक विकास के कारक क्या होते हैं, आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है, आपकी आय है, रोजगार है, आपका उत्पादन है, उपभोग है, यानी कि उसमें सब ऋणात्मकता रहती है। और इसमें जो टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तुएं बिल्कुल घिस जाती हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन बहुत जबरदस्त होता है आदमन या, तो उनको अब इकोनॉमी, क्योंकि उनसे जब उत्पादन करते हैं जो टिकाऊ वस्तुएं जो घिस गई हैं या पुरानी पड़ गई हैं, टेक्नोलॉजी उनकी खराब हो गई है, उनमें लागत ज्यादा आने लग जाती है। इकोनॉमी के अंदर जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उनमें जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, जो मशीनें यूज की जा रही है, जो मशीनी कर की, उनमें बहुत ही ज्यादा डेप्रिसिएशन और घिसावट, टूट फूट, अप्रचलन यानी कि टेक्निकली बैकवर्डनेस रहती है, और उनके द्वारा जब उत्पादन लिया जाता है तो लागत बहुत ज्यादा आती है और वस्तु की कीमत उतनी बाजार में मिल नहीं पाती है, इसलिए लाभ की स्थिति निर्मित नहीं होती। जब अर्थव्यवस्था में लाभ की स्थिति निर्मित नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उत्पादन करने नहीं आएगा, तो इसलिए बात, तो उन वस्तुओं के स्थान पर नया निवेश किया जाता है जिससे उद्योगों में पुनरुत्थान की प्रक्रिया संचय बनने लग जाती है, यानी कि नई मशीनें आएंगी, नए उपकरण आएंगे, लागत होगी, टेक्नोलॉजी आती है तो लागत कम होगी और कीमत लागत में अंतर आएगा, और इससे हमारी उत्पादन में, रोजगार में, आय के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, इस पुनरुत्थान समृद्धि में कदम रखता है, और पुनरुत्थान जो है हमारा धीरे धीरे एक्सपेंशन विस्तार की तरफ चलने लगते हैं, यानी ऊपर की तरफ हमारी इकोनॉमी, डायग्राम में देखें तो ये जो ऊपर की तरफ हमारी डॉटेड लाइन की तरफ बढ़ने लगती है, और जब एक्सपेंशन यानी डॉटेड लाइन को छू ले लेती तो हम समृद्धि के स्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पूर्णतः समृद्धि नहीं आती है, पूर्णतः विस्तार नहीं होता है, तो हम और ज्यादा निवेश करते हैं, और निवेश करने के लिए जो है तो यानी कि हम विस्तार अथवा समृद्धि अथवा समृद्धि वाले रास्ते पर हम उत्कर्ष की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसमें मांग उत्पादन, आपकी मांग उत्पादन, रोजगार, आय का स्तर बड़ा होता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मजदूरों की मजदूरी दरें होती हैं, वेतन जो होता है, बेसिक जो होती है, कीमतों की वृद्धि से काफी कम होती है, यानी कि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उछाल रहता है, लेकिन उसके अनुपात में हम अपने मजदूर वर्ग को कम तनख्वाह देते हैं, कम वेतन दिया जाता है, बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण लिया होता है, तो यानी कि हमारी इन सबको मिलाकर जब मजदूरी, वेतन, ब्याज की दर, परिवहन लागत इन सब लाते हैं तो वो हमारी लागत बन जाती है, और उसके अनुपात में हमें अधिक कीमत मिल रही है, यानी कि आप कह सकते हो कि कीमतों में तथा लागत के अंतर से लाभ की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, और इसकी वृद्धि होने लगती है जिससे स्टॉक, प्रतिभूतियों तथा निवेश में भी वृद्धियां प्रारंभ शुरू हो जाती है, और अर्थव्यवस्था यानी कि सब जगह पॉजिटिव साइन रहता है, सकारात्मक असर रहता है, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो शिखर पर, पीक पर आ जाती है, यानी कि डायग्राम की तरफ जाएं तो ये जो पीक, जो PEA के लिखा हुआ है, वो पीक पर पहुंच जाती है, और उसके पीछे हमने सभी आर्थिक कारकों को हमने लागू किया हुआ है, तो ये जो है ना हमारा स्थिति उस समय आती है। इसके बाद सुस्ती अथवा ऊपरी मोड़ बिंदु, क्योंकि शिखर वाली जो अर्थव्यवस्था है वो एक बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि हो सकता है कि मजदूर जो है ना आपका मजदूरी बढ़ाने के दबाव डालने लग जाए ट्रेड यूनियन के माध्यम से, ब्याज दरों में बैंकों को अपनी लागत पूरी नहीं हो पा रही हो तो हो सकता है बैंक ब्याज दर में वृद्धि कर दें, और हमारे जन उत्पादन जो नई मशीनें लगाई थी आने वाले समय पुरानी पड़ने लग जाएं, उनमें टूट फूट होने लग जाए, घिसावट होने लग जाए, और जो है ना आपको बिजली की कमी का संकट का सामना करना पड़ जाए,
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लागत में ये सब चीजें अगर उनको बढ़ा देते हैं, इनका लागत इनमें वृद्धि होने लगती है तो हमारी लागत में वृद्धि होने लग जाती है। दूसरी तरफ कीमतों में अत्यधिक उछाल जो आता है कुछ समय पश्चात जो है वो स्थिर कम होने लग जाता है। तो अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले वर्षों की तुलना में कम वृद्धि देखने को मिलती, तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी ऋणात्मक नहीं हुई है, डॉटेड लाइन से ऊपर ही रहती है, लेकिन जो है ना उसमें सुस्ती आने लग जाती है जिससे रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है, देश के निवासियों की आय के स्तर में प्रभाव पड़ सकता, कम होने लग जाती है और अर्थव्यवस्था हमारी शिखर से सुस्ती की ओर जाती है यानी कि रिसेशन की तरफ जाती है। देखिए आप डायग्राम की तरफ जाएं तो हमारा पीक है, पीक से जो नीचे कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन सुस्ती रिसेशन आने लगती है, नीचे की तरफ जा रही है। एक्सपेंशन में जो ऊपर बढ़ रही थी उसी गति से वो नीचे की तरफ आने लगती है, लेकिन डॉटेड लाइन तक हम कहते हैं कि सुस्ती की स्थिति में है, यानी कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था उतार की तरफ है लेकिन ऋणात्मक नहीं है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी सकारात्मक संकेतक मिले हुए हैं लेकिन वो गति नहीं है जो पहले से थी। तो वो कॉन्ट्रेक्शन यानी कि संकुचन की स्थिति होती है और डॉटेड के जब टच कर लेती है स्थिति तो कहते हैं ऊपरी मोड़ वाला बिंदु आ गया है और इसके अगर या तो उसमें संकेत सुधार हो जाए या वो और नीचे की तरफ जा सकती, कितना जा सकती, तो वो उसको जो ना निचला ये सुस्ती ऊपरी मोड़ बिंदु कह देते हैं। सुस्ती का जब जब डॉटेड लाइन के टच करेगी तो वो ऊपरी मोड़ बिंदु कहलाता है। तो ये जो है ना आपका संकुचन अथवा मंदी तथा अपकर्ष जो है ना बिल्कुल इसी की लाइन से आगे चल रही है। मंदी रहती है, सुस्ती रहती है, शाख का विस्तार रुक जाता है, क्रय शक्ति कम हो जाती है, रोजगार सहायक स्तर अधिक कम होने लग जाता है, यानी कि ये सारे की सारी चीजें होने लग जाती है और इस तरह से फिर वो वापस अपने उस पर पहुंच जाती है किस पर ट्रफ की तरफ चली जाती है यानी कि निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। इस तरह से चार स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। तो ये जो है इसके बाद आपका समय कम है तो ये आपके व्यापार चक्र के सिद्धांत है। आपके सिलेबस में सुम्पीटर का और पिंजी का तो है, हटरे का भी होगा और हेक और फ्रीडमैन दो और लोग हैं, फ्रीडमैन का हम लिख के नहीं लाए इसमें स्लाइड्स में नहीं है। तो ये जो है ना पांच लोगों ने व्यापार चक्कर के बारे में सिद्धांत दिए गए हैं और उसमें से हटरे का व्यापार चक्कर, चक्कर का मुद्रा सिद्धांत है, दूसरा जन हेक का व्यापार चक्कर है, चक्कर का मौद्रिक अति निवेश सिद्धांत है, तीसरा सुम्पीटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत है और चौथा जो है केंज का व्यापार चक्कर सिद्धांत है और पांचवा आप लोग लिख लीजिए अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो फ्रीडमैन का भी व्यापार चक्कर सिद्धांत है। यानी कि इस तरह से पांच हमें व्यापार चक्कर के सिद्धांत, लेकिन आपके सिलेबस में फ्रीडमैन नहीं है तो हम इन पर चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी कि इन सिद्धांतों में क्या बात रहती है। तो देखिए सबसे पहले हम हटरे का व्यापार चक्कर का मुद्रा सिद्धांत पर जाते हैं यानी कि मौद्रिक सिद्धांत। देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए दो प्रकार के कारक होते हैं, एक मौद्रिक कारक होते हैं और एक गैर मौद्रिक कारक होते हैं यानी कि गैर मुद्रा कारक होते हैं। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत था या कुछ शिक्षाविदों का ये मत रहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मंदी आती है वो युद्ध के कारण हो सकती है, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, यानी कि जो प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, सामाजिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक हो सकते हैं जिनको उन्होंने कहा कि गैर मौद्रिक कारक हैं, इनके कारण भी मंदी आती है, लेकिन हटरे इन सब चीजों को नहीं मानता है। हटरे का ये मत है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी या तेजी का जो प्रभाव, तेजी का आना है यानी कि बूम आए या रिसेशन आए, उसका मुख्य कारण मॉनेटरी होता है, मौद्रिक होता है, न कि नॉन मॉनेटरी यानी कि ना कि गैर मौद्रिक कारक। यानी कि उसका कहना है कि सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारक, युद्ध, भूकंप, तूफान, आपका जो है अर्थक्वेक, ये सब जो है आपका बाढ़, ये सब जो है अर्थव्यवस्था के बूम में और अर्थव्यवस्था के रिसेशन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते, इनको बिल्कुल वो शून्य मान लेता और उसने अपना सिद्धांत जो है पूर्णतः से आर्थिक रखा है और आर्थिक में भी उसने सिर्फ मौद्रिक कारकों पर ही मुख्य रूप से
फोकस किया है, इसलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है हाटरे का व्यापार चक्र का मुद्रा सिद्धांत। मुद्रा की मांग में प्रभाव में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था में समृद्धि अथवा मंदी आती है। वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि जब आएगी वो कब आएगी और अर्थव्यवस्था मंदी आएगी वो कब आएगी, तो इसमें कैसे वो मुद्रा के मांग की प्रभाव की बात करता है। तो कहता है कि अगर अर्थव्यवस्था में सुस्ती है उसको तेजी लानी है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं उसमें आपकी बैंक दर है, आपका खुले बाजार में जो है ना प्रतिभूतियों को सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना रहता है, खुले बाजार की जो आपकी आपकी SLR है, आपकी CRR है, आपकी रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट यानी कि उसने जितने भी ये जो बैंकिंग कारक बताए जो कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं उनमें परिवर्तन लाके, यानी कि ब्याज की बैंक दर अगर कम होगी तो जो है ना व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से ऋण लेना आसान हो जाता है, और जब बैंक दर कम होने से व्यापारिक बैंकों के पास सस्ती मुद्रा आएगी, सस्ता ऋण प्राप्त होगा, तो वह अपने ग्राहकों को भी अपने निवेशकर्ताओं को भी सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा और उस ऋण का जो है निवेश किया जाएगा। निवेश जो है गुणक प्रभाव की वजह से उसका बहुगामी परिणाम बहुआयामी परिणाम होता है और उससे उत्पादन रोजगार आय उपभोग के क्षेत्र में वृद्धि होने लगती है। लेकिन वो कहता है कि ये जो आपका एकदम से तेजी बढ़ने लगती है और उससे प्रभावित होकर उद्योगकर्ता निवेशकर्ता और अधिक ऋण लेते हैं और अधिक जो है ना ब्याज के पैसा उधार लेते हैं या एडवांस लेते हैं और निवेश करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा तेजी रहती है उसी स्थिति में हमारे इंडस्ट्री के अंदर, हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो श्रमिकों की ट्रेड यूनियन है वो श्रमिक उद्योगों पर दबाव बनाती है कि हमारी वेतन मजदूरियों में वृद्धि की जाए और इस तरह से जो है ना दूसरा लागत बढ़ने लग जाती है, तो उस स्थिति में जो है ना लागत बढ़ने के कारण ये जो है ना वो जो लाभ प्राप्त हो रहा था मौद्रिक नीतियों के कारण उस लाभ पर प्रभाव कम होने लग जाता है और जो है ना मंदी की स्टार्ट हो जाती। तो यानी कहने का तात्पर्य है उसने सारा का सारा व्यापार चक्कर में जो भी तेजी या मंदी आती है वो उसने हाटरे ने मौद्रिक कारणों पर फोकस दी है, एम्फेसाइज किया है, बल दिया है। दूसरा जो है आपका हेक का व्यापार चक्कर का मौद्रिक अतिनिवेश, यानी कि उसका भी मौद्रिक अतिनिवेश पे है लेकिन उसकी व्याख्या हाटरे के व्याख्या से अलग है थोड़ी सी। हेक का व्यापार चक्कर का जो मौद्रिक अतिनिवेश सिद्धांत के लिए उसने विक्सल नाम के इकोनॉमिक्स हुए हैं, उसकी एक संतुलक ब्याज दर है और एक बाजार ब्याज दर है। ब्याज दर दो प्रकार की उसने ली है, एक उसने नेचुरल इंटरेस्ट रेट की बात की है और एक उसने मार्केट इंटरेस्ट रेट की बात की गई है। वो कहता है कि जो नेचुरल इंटरेस्ट रेट है, जो संतुलक ब्याज दर है, वह ब्याज दर जब है जब उधार दे कोषों की मांग और ऐच्छिक वस्तुओं की पूर्ति बराबर होती है। आपने लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ी होगी कि उसके मुद्रा की मांग के कौन से कारक हैं, पूर्ति के कौन से कारक हैं, यानी कि वहाँ जब संतुलित स्थिति होती है उसने कहा कि दिस इज ए नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ब्याज दर वह दर है, ब्याज दर जो बाजार में पाई जाती, मार्केट में पाई जाती है तथा मांग और पूर्ति द्वारा, यानी कि मांग और यानी कि हम कितनी मुद्रा की मांग करते हैं, कितनी मौद्रिक पूर्ति होती है, दोनों में फर्क है देखिए, ये मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। और संतुलक ब्याज दर उधार दे कोषों की मांग, यानी कि लोनेबल फंड्स, यानी कि जो उपलब्ध कोष है जिनको उधार दे सकते हैं, और जो ऐच्छिक बचत जो वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उनमें, अगर इनमें अंतर आएगा तो बूम और तेजी आ सकती है। एक के अनुसार जब संतुलक ब्याज दर आपकी बाजार ब्याज दर से संतुलन, तब तक अर्थव्यवस्था में कोई भी संतुलन बना रहेगा तब तक संतुलन
बना रहेगा, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का डिसइक्विलिब्रियम आता है, किसी प्रकार की असंतुलन स्थिति निर्मित होती है, तो वो समृद्धि का कारक बनेगी और मंदी का कारण बनेगी। तो कहता है कि अगर नेचुरल इंटरेस्ट रेट हमारी बाजार ब्याज दर से अधिक है तो समृद्धि रहेगी, यानी कि बाजार की ब्याज दर कम चल रही है और हमारा जो नेचुरल यानी कि सस्ती ब्याज दर पर हमें मिल रहा है। यदि संतुलित ब्याज दर कम है और वो ज्यादा है तो मंदी की स्थिति आ सकती है, तो ये चीजें उसमें देखने को मिलती है अपने को। अब इसके बाद जो है शूम्पीटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आपके थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी आपने पढ़ी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वहाँ भी शूम्पीटर की जो है ना इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आता है, डायनेमिक थ्योरी आता है, दूसरे इकोनॉमिस्टों की अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आता है। उसी इसी ब्याज के नव व्यापार के चक्कर में भी शूम्पीटर ने कहा कि नव परिवर्तन यानी कि इनोवेशन, इन्वेंशन नहीं है, ये खोज नहीं है। देर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन और इनोवेशन में, जहाँ आपकी नव परिवर्तन में और खोज में आविष्कार में अंतर होता है। नव परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि हम प्रचलित उत्पादन की विधियों में अपना क्रिएटिविटी के सहारे, अपने सृजन के सहारे कुछ नई चीज लेकर आते हैं, थोड़ा सा विधि में परिवर्तन कर, नई खोज नहीं लेकिन हमने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, इनोवेट कर दिया है, आइडियाज में हो, गुड्स में हो, मार्केट में हो, रॉ मटेरियल में हो, उद्योगों के नए ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उन चीजों को दिस इज ए इनोवेशन, दिस इज नॉट ए इन्वेंशन, ये कोई आविष्कार नहीं है अपितु ये इनोवेशन है, नव परिवर्तन है। तो उसने कहा कि तो वो कौन से कारक हो सकते हैं जो आपकी तेजी ला सकते हैं, और वो इन नहीं हो रहा है तो आपके क्षेत्र में आपको मंदी ला सकते हैं। तो उसने कहा कि कोई नई वस्तु का प्रचलन आ जाए, यानी कि जो नई आपके चीज को आ जाए जिससे कि इकोनॉमी में रफ्तार हो जाए। आए दिन आप देखते होंगे कि बाजार में कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, उसकी एडवर्टीजमेंट के सहारे से जो है उसकी कभी पैकेज बदल देती है, कभी तकनीक लाती है, कभी उसमें कोई फीचर्स बढ़ा देती है, ताकि जो है लोगों में हर क्षेत्र में, चाहे आप कंज्यूमर गुड्स में जाएं, चाहे आप ड्यूरेबल्स में जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स में जाएं, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है इम्प्रूवमेंट की, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है अपग्रेड की। और एक कुछ समय के बाद कंपनियां उद्योग वस्तुओं का उसकी साइज में, उसकी पैकिंग में, उसकी क्वालिटी में, उसकी सब चीजों में बदलाव लाने का प्रयास करती है, ताकि लोगों में नई चीज का एक क्रेज बना रहे, नई चीज आ रही पुरानी चीज से अलग है और उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहे, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो लोगों में उसको खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो अर्थव्यवस्था में बूम का काम करती, तेजी का काम करती है और अर्थव्यवस्था में एक ढंग से मांग उत्पादन, मांग को क्रिएट करती है, डिमांड को क्रिएट करती है। दूसरी जो है आपकी उत्पादन की नई विधि का प्रचलन, यानी कि हम जो परंपरावादी उत्पादन की विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, नई मशीनों के सहारे, नए उपकरणों के सहारे हम नया प्रोसेस शुरू कर दें, नई विधि को लेके आ जाएं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके लाएं, तो उससे हमारी उत्पादन की लागत कम हो जाती है, कीमतों और लागतों में अंतर अधिक उत्पन्न होता है, जिससे कि बूम की संभावना बनी रहती है, यानी कि तेजी आने की संभावना बनी रहती है। और आज भी वर्तमान समय में रहते देखेंगे तो हर कंपनी जो बड़ी कंपनी या उद्योग है या जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश है, वो अपने उत्पादन की तकनीक में, नई विधियों में, रिसर्च R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी निवेश कर रहे हैं, काफी व्यय कर रहे हैं, ताकि लोगों को नई तकनीक से लागत को कम किया जा सके। नया बाजार खोजना, नया बाजार का खोजने का तात्पर्य ये नहीं कि वो बाजार का कोई भौगोलिक विस्तार कर रहे, भौगोलिक विस्तार भी होता है लेकिन उसकी सीमित मात्रा होती है, यानी नए बाजार में ऐसे ग्राहकों को जोड़ना जो उनसे जुड़े हुए नहीं है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं का प्रचलन नहीं हो रहा तो उसको वहां लेकर जाना, या जो आपके जो आय ग्रुप, आयु का जो ग्रुप अलग अलग हो सकता है उसमें उस चीज को लेकर जाना, यानी कि भौगोलिक रूप से उसके विस्तार को बढ़ा देना,
आयु के हिसाब से बाजार को बढ़ा देना, वस्तु के आधार पर बाजार को बढ़ा देना, यानी कि वो नया बाजार खोजने के बराबर होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, हम स्लम एरिया में नहीं है, हम सेमी अर्बन एरिया तक भी नहीं है, तो हम वहाँ तक अपने प्रोडक्ट को लेकर जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या कंज्यूमर गुड्स का हो या पेरिसेबल गुड्स का हो, यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट को निचले स्तर तक ले गए हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से या अपनी पब्लिक डिलीवरी के माध्यम से या पर्सनल डिलीवरी के माध्यम से बाजार एक्सेसिबिलिटी कर देने, यानी कि उसको पहुँचा देना, यानी कि बाजार का विस्तार कहलाता है, वो केवल सिर्फ मेट्रो सिटी तक ही नहीं रहे, तो यानी कि वो नया बाजार खोजने के जैसा होता है। कच्चे माल का नया स्रोत खोज निकालना, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स रहते हैं उसमें भी नए नए चीज़ें ढूंढने का प्रयास करते, नए नए एरिया से लिया जाता है, उसकी क्वालिटी में यानी कि लाया जाता है। आप पुराने समय में कारों की तरफ भी जाए तो हमारी कार अपनी औसत दर्जे की एवरेज देती थी, लेकिन आज उसमें उसी कच्चे माल का प्रयोग करके तकनीक के माध्यम से उसकी एवरेज को बढ़ा दिया गया है, यानी कि उसको खोज निकाल कर भी सुमपीटर ने कहा कि हम बाजार का विस्तार कर सकते हैं और जो है ना आपका नया स्रोत जो है ना आपको बूम ला सकता है। किस उद्योग में नए संगठन को अमल में ला देना, जैसे वोडाफोन आज आइडिया दोनों मिल गए हैं, एक उद्योग था टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत, संगठन नया बन गया है, तो उससे कंपनी के क्षेत्र में प्रभाव आया, उससे जो है ना आपके उद्योग क्षेत्र में प्रभाव आया। तो इस तरह कहने का तात्पर्य है कि उद्योग अगर कोई नई चीज नहीं लेके आ रहा तो आपस में कोलोक्शन करके भी अपनी लागत को कम कर सकते हैं और अपने क्षेत्र को बढ़ाकर। सुमपीटर ने कहा कि ये उनकी इंपेरिकल स्टडी के बेसिस के आधार पर उन्होंने इन सबको बताने का प्रयास किया है। अब देखिए ये डायग्राम, इसमें भी डायग्राम वही है जो आपने पहले डायग्राम देखा था। ये प्राइमरी वे है, यानी कि जो आपका डिप्रेशन, यानी कि दूसरी प्रोस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर रिवाइवल, आपने देख रहे होंगे सेकेंडरी वेव आई, जो सेकेंडरी वेव जो ऊपर बड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये किसके कारण आई, यानी कि ये इनोवेशन के कारण आई। ये हमने गूगल से लिया, आप भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ट्विटर पे डायग्राम बनाना आसान ही रहता, तो गूगल से हमने इसको लिया हुआ है। आपकी बुक में भी ये डायग्राम अवेलेबल है, आप चाहे जिंगन की बुक देखें, चाहे दूसरी जो भी राइटर की देखें, फॉरन स्पीरो की बुक भी देखेंगे तो भी आपको ये डायग्राम मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। तो इसमें भी जो ना टाइम के साथ साथ दो आपको, एक प्राइमरी वेव, एक सेकेंडरी वेव, यानी कि जो सेकेंडरी वेव आई है, यानी कि जो दूसरी तरंग आई है जिससे प्रोस्पेरिटी बढ़ी, रिसेशन बढ़ा, फिर वो रिवाइवलिटी, ये सब किसके कारण हुई। सुमपीटर कह रहे हैं कि दिस इज ओनली बाय किसके द्वारा हुई, ये आपके इनोवेशन के कारण, यानी कि जो नया बाजार खोजा, नई वस्तु खोजी, नई तकनीक निकाली, जो हमने अभी आपको पीछे बताया, इन कारकों के कारण हमारी सेकेंडरी वेव आती है। सिंपल सा डायग्राम ये है कि ये जनत ये चक्कर चलता रहता है। अगर अर्थव्यवस्था में आपको सदैव बूम लाना है, तेजी रखना है, आपको डेवलपमेंट रखना है, तो सुमपीटर का मानना है कि हमें कुछ नया देना पड़ेगा, हमें कुछ नया करना पड़ेगा, और नए के पीछे आपको उन्होंने इतने से कारक बताए हैं। इसके बाद जो है किंज के आया, किंज का जो है ना, किंज ने और थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक किया। किंज का व्यापार चक्कर, जो किंज की जो जाना जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनकी बुक भी है, किंज का जो बेसिकली काम रहा है वो शॉर्ट रन पीरियड के लिए रहा है। आपको बता दें उनका काम बेसिकली इनकम से कर रहा है, उपभोग कंजप्शन से रहा है, प्रोडक्शन से रहा है आपका रोजगार। तो उनका जो ये बिजनेस साइकिल है, यह जो है बिजनेस साइकिल, उनका आय उपभोग उत्पादन रोजगार का अंग बना है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। और इसमें किंज का जो व्यापार चक्र का प्रमुख कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। किंज के अनुसार मंदी का प्रमुख कारण मांग में कमी है, और मांग में कमी को उपभोग तथा निवेश में वृद्धि करके मांग में वृद्धि की जा सकती है। किंजन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टोटली जो बेस्ड है वो इफेक्टिव डिमांड पर है, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। कहता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंदर बेरोजगारी, मंदी का जो मुख्य कारण मांग में कमी है। आज अमेरिका के अंदर या पूरे यूरोप के अंदर सबसे बड़ा जो काम कमी दिखाई दे रही है वो मांग में कमी है, कि वहाँ लोगों की संतुष्टि
का स्तर पहुंच चुका है, यानी कि लोगों के पास टीवी है, कार है, फ्रिज है, कूलर है, तो उनकी कंपनियां कहां पर अपने उत्पादन को डंप करें, कहां पर भेजें? तो उनको भारत जैसे विकासशील देश, ब्राजील जैसे विकासशील देश, चीन जैसे विकासशील देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे जिनकी जनसंख्या अधिक है और जिनकी जनसंख्या के पास अभी रोजमर्रा की आवश्यकताएं की पूर्ति करने के भी उपकरण नहीं है, उनकी उनमें मांग अभी बनी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य है, किंज का कहता है कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी के कारण बेरोजगारी है, मांग की कमी के कारण अति उत्पादन है, मांग की कमी के कारण मंदी है, और इसको जो है ना हम मांग में वृद्धि करके ही दूर कर सकते हैं। और मांग में वृद्धि को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, किंज ने दो चीजों को बताया, एक उसने कहा कि कंजप्शन के द्वारा और दूसरा उसने कहा कि निवेश के द्वारा। लेकिन हम आपको बताएं, क्योंकि किंजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कंसर्न्ड है वो आपकी शॉर्ट रन से, अल्पकाल से, यानी कि कम समय उनके मॉडल्स हैं। और उसने कहा कि उपभोग को उसने कहा कि शॉर्ट रन में स्थिर रहता है, इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति लघु काल में, अल्पकाल में सदैव स्थिर रहती है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, उस स्थिर उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर ही हम अपने निवेश। तो उसने कहा कि सिर्फ निवेश में ही वृद्धि करके हम अपना जो है बना सकते हैं, बूम ला सकते हैं, तेजी ला सकते हैं, और जो निवेश किया जाएगा उस निवेश का प्रतिफल सही भी है या नहीं है ये डिपेंड करेगा आपकी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य है कि किसी भी निवेशकर्ता के द्वारा पूंजी की जब एक अतिरिक्त इकाई का निवेश किया जाता है तो उस अतिरिक्त इकाई से जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उससे कितना प्रतिफल मिल रहा है। और उसने कहा कि ये जो प्रतिफल है, ये जो रिटर्न है, दो चीजों पर निर्भर करेगा। अगर आपकी जो पूंजी आपने निवेश की है उसका रिटर्न, उसका प्रतिफल आपकी ब्याज की दर और आपकी एक्सपेक्टेड इनकम, प्रत्याशित आय, यानी कि जितने ब्याज पर आपने पैसा, यानी कि कहने का मतलब ये है आपने 100 रुपया उधार लिया, 100 रुपया उधार लेके आपने कम लगाया अर्थव्यवस्था के अंदर 2% ब्याज के ऊपर, यानी कि 2% ब्याज हो गए 102 रुपए। अब प्रत्याशित आय यानी कि एक्सपेक्टेड इनकम कम से कम 102 रुपए से ज्यादा आए तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता आपकी पॉजिटिव है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर बूम की संभावनाएं हैं। और अगर आपने 100 रुपया लगाते हैं, 2% आप ब्याज दे रहे हैं और इनकम आपकी 100 रुपया ही होती है, यानी कि आपके ब्याज की भी पूर्ति नहीं हो पा रही, यानी कि प्रत्याशित आय कम है, ऐसी स्थिति में मंदी की स्थिति होती है। और उस स्थिति में केंद्र के अनुसार आपकी बूम लाने के लिए सिर्फ सरकार का ही काम रह जाता है, और इसलिए सरकार आगे आए, सरकार जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त निवेश, आपकी आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि वो स्वतंत्र रहता है, इसलिए ऑटोनोमस निवेश का, स्वायत्त निवेश का जो वक्र होता है वो एक्स एक्सिस से समानांतर होता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा किया जाता है। निवेश भी दो प्रकार का होता है, एक प्रेरित निवेश और एक ऑटोनोमस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली कंसर्न टू द गवर्नमेंट, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली कंसर्न है आपके उससे निजी क्षेत्र से। तो ये चीज कह सकते उसी से हम ला सकते हैं। तो इससे निवेश में अल्पकाल में उतरे, इसलिए निवेश में वृद्धि करके हम कम रह गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए, आपकी अपनी कोई क्वेरीज हो तो अभी मेरे सामने रख दें, देन मैं आगे बढ़ता हूँ, आपसे क्वेरीज करे जाएंगे। काफी कुछ बच्चे नोट्स मुझे लिखते दिखाई दे रहे हैं, या वो ये तो नहीं कह सकता है कि इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले होशंगाबाद के बहुत सारे बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे सवाल करेंगे हम। व्यापार चक्र अंग है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी, ए और बी दोनों, और कोई भी नहीं। और संग्राज मेरी आवाज सुन रहा है?
मेरी आवाज कौन सा महाविद्यालय सुन रहा है, हमीदिया, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल से कोई हो, इंदौर से कोई हो। राजगढ़ कोई भी माइक लेके बता दे। हम चलिए हम ही बता देते हैं, मुझे या तो मेरी आवाज पता नहीं जा रही कि नहीं जा रही है। व्यापार चक्कर का अंग है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने आपको बताया था। और दूसरा हमारा सवाल फिर से है, व्यापार चक्कर संबंधित है तेजी से मंदी से, सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। कौन बताएगा? बसिया आकर पीजी नहीं है। दूसरा होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? कोई भी कॉलेज बताएगा आवाज, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? तो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मेरी आवाज पहले बताएं आप आ रही कि नहीं आ रही है। आप सवाल तो बाद में बताएं आप हमें। है होशंगाबाद, देखा था मैंने, वहाँ पीजी है भाई। नहीं नहीं होशंगाबाद दिख नहीं रहा। हाथ मेरा, मैं हाथ उठा के बताएंगे मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ तो ये जो मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइए ना। ये जिसने हाथ उठाया था रेड कलर की शर्ट पहने सर बैठे, कौन सर बच्चा कौन है? अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये बताएं जरा कि आवाज आ रही है भाई? ये व्हाइट शर्ट वाले बताएं, कौन सा कॉलेज, ये बताएं। चलिए आप, माइक है आपके पास? तो तेजी और मंदी हमने दोनों बताए आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं फिर आपसे, यानी कि आवाज तो मेरी जा रही है। व्यापार चक्कर के प्रकार है एक, दो, चार, पांच। हमने ये पांच लिखा है। सीहोर, सीहोर ये गर्ल्स कॉलेज है या बॉयज कॉलेज है? सीहोर सर सुन रहा है मेरी आवाज? हाथ खड़ा करके बताएं सीहोर के। ये माइक आ गया है राजगढ़। कॉलेज का नाम बताएं। हाँ बताइए आप कोई। मेरी आवाज, आपकी आवाज तो नहीं आ पा रही मेरे पास। होशंगाबाद है, सीहोर सामने दिख रहा है मेरे को, तो भी रेस्पॉन्स तो आना चाहिए। सभी इकोनॉमिक्स के हैं किसी और के ही हैं? छिंदवाड़ा में भी दिख रहा है बच्चे बैठे हुए। चलिए व्यापार चक्कर के हम ही बता देते, पांच इसके हमने प्रकार बताए थे आप लोगों को, हमने पांच लिख दिया, उस पर लिखा हुआ है, उस पर लगा लें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अल्प किचिन चक्कर संबंधित है जोसेफ किचिन से, केन से, जोसेफ से, कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो उसमें अब आवाज नहीं आ पा रही है तो कौन बताएगा? एक आध बताए तो हमारा मन खुश हो जाता कि आप लोगों के जहन में हमारी बात गई है, सरकार भी इतना निवेश कर रही चीजों को लेकर। हेलो, हाँ हाथ तो दिखाई दे रहा है, माइक आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, अब माइक काम नहीं कर रहा?
माइक काम नहीं कर रहा भाई, माइक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कॉलेज से तो माइक की गड़बड़ है, दूसरा कोई कॉलेज बता दे। ये सीहोर, सीहोर के छात्र दिख रहे हैं मेरे को। चलिए, अब ये जोसेफ किचन इसमें है, अलग किचन चक्कर की अवधि है 20 मास, 40 मास, 60 मास, कोई नहीं, हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो ये इसमें 40 मास का हमने बताया था। फिर ये भवन संबंधी चक्र का प्रतिपादन किया, वार पियर्सन दोनों कोई नहीं है? एक एक बीच, अच्छा बीच में खराब हो, वो आवाज नहीं जा रही, एक मिनट कह रहे हो, उनका माइक काम नहीं। अच्छा चलिए, हम अपना बता देते हैं आप लोगों को। तो ये भवन संबंधी चक्र का प्रतिपादन किया गया था वार्न और हमने आपको उसी समय जब प्रकार लिखवा रहे थे तो उसमें बताया था कि वार्न और पियर्सन के द्वारा ये दो प्रकार आपको बताए गए थे। फिर एक अति दीर्घ चक्र का प्रतिपादन किया रूसी अर्थशास्त्री ने, वार्न और पियर्सन ने, इसमें कोई नहीं। फिर दीर्घ चुगलक्चर चक्र का प्रतिपादन किया रूसी अर्थशास्त्री, फ्रांसी अर्थशास्त्री पियर्सन के द्वारा, तो इसमें हमने बताया कि ये आपका फ्रांसीसी अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था कोई, और लास्ट में कोई नहीं। फिर ये अगर किसी को मेरी आवाज आ रही, तभी और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ये व्यापार चक्र की अवस्थाएं हैं, ए 4 है, बी 5 है, सी 6 है, डी कोई नहीं। इसमें कोई मेरे स्क्रीन पे तो 4-5 कॉलेज दिख रहे हैं, कॉलेज से तो माइक खराब है, सिंहवाड़ा दिख रहा है, सीहोर दिख रहा है, हमीदिया दिख रहा है। अगर किसी के पास मेरी आवाज जा रही हो और बच्चे बैठे हों तो वो रेस्पॉन्स दे तो थोड़ा अच्छा लगता है, अदरवाइज तो ये पढ़ के बता ही रहे हम लोग। सीहोर से हाथ उठाया जा रहा है, अब नीचे हो गया हाथ। हाँ बताइए बेटा, आपके पास माइक नहीं है क्या? खड़े होके बताओ जरा, आप अपना नाम बताओ और माइक से बताइए जरा। चार, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। ठीक है, चार आपने सही ऑप्शन बताया। और अब अगर मुझे लगता है कि मेरी आवाज तो जा रही है, आप लोगों की आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है, तो आप इशारे से बता दिए ए ऑप्शन सही है, चार यानी कि फर्स्ट, ये चार ऑप्शन इसकी अवस्थाएं ठीक से दिया। दूसरा ऑप्शन है हाटरे का व्यापार चक्कर संबंधित है मुद्रा सिद्धांत से, लाभ से, आय से और कोई नहीं, यानी कि जो हाटरे का व्यापार चक्कर सिद्धांत बताया था वो लाभ से संबंधित था या मुद्रा से संबंधित था या आय से संबंधित था। तो इस पे अगर कोई आता हो तो 1, 2, 3 कर बता दें, चार ऑप्शन आपके पास है, एक उंगली उठा के बता दें, दो बता दें तो पता लग जाएगा कि एक है तो ए मान लेंगे, दो उंगली उठाएंगे तो बी मान लेंगे, तीन उठाएंगे तो सी मान लेंगे, और डी चार उठाएंगे तो चार उंगली की डी मान लिया जाएगा। अगर मुझे लगता है सीहोर से भी माइक काम नहीं कर रहा है, और इसमें बताइए कौन सा, कौन बताएगा, हाथ उठा करके बता दीजिए। एक उंगली आ रही है तो एक उंगली मुझे इधर राजगढ़ है मेरे से जाइए, तो ए ऑप्शन ठीक है उसमें। हाटरे का मुद्रा हमने मौद्रिक चीजों को लेकर उसमें बात की थी और गैर मौद्रिक कारकों को हमने नहीं माना था, यानी कि तो, और संतुलक ब्याज दर और ब्याज दर समान है, समान नहीं है दोनों और कोई नहीं। इसमें दो चीजों का, ये आपका ओके का ब्याज व्यापार चक्कर सिद्धांत था, उसने विक्सेल का जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी है उसको और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी है उसको लेके बेस बनाकर उन्होंने बात, ये समान है। बी ऑप्शन ज्यादा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपके लिए समान नहीं है, अलग अलग है दोनों के। तो ये
आपका दिख गया, हमें आपकी दो उंगलियां दिख रही हैं। बहुत सही से आप जवाब दे रहे हैं। और ये राजगढ़ी है मुझे जो, क्योंकि छोटा साइन बना हुआ है तो बहुत उनके अच्छे आए हैं। और नेक्स्ट आपका है व्यापार चक्कर में नव परिवर्तन का सिद्धांत, सुम्पीटर, हार्ट्रे, दोनों और कोई नहीं। बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब आप अगर डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, एक एक ठीक आंसर है पहला, काफी लोगों ने हाथ उठा दिया, राजगढ़ का अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स उधर से सीहोर का भी आ रहा है, तो ये सुम्पीटर ने दिया था। बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाकर लेके आए हैं, अदरवाइज आप डीयू के अंदर जाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, एंट्रेंस एग्जाम दें वहाँ का, तो आपको बहुत ही ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स पे चर्चा की जाएगी। इन पे कोई बात नहीं करेगा आपसे, इवन अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का IGDR पे जाएं, इंदिरा गांधी डेवलपमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है बॉम्बे के अंदर, उसका भी 15 अप्रैल को टेस्ट हुआ है, वो ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं, यानी कि बिजनेस साइकिल के साथ आपको जो है किस तरह से उसकी ऑपरेशंस होती हैं उसको लेके प्रैक्टिकल या एम्पिरिकल स्टडी के सवाल आते हैं, और मेडिकल भी हो सकते थे और बेसिकली प्योर इकोनॉमिक्स पे भी हो सकते थे। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही बेसिक्स हैं, यूजी लेवल के हैं, लेकिन क्या बताया जाए। अब ये सेकंड है हमारा, सुम्पीटर व्यापार चक्कर नव प्रवर्तक के कारक हैं, नई वस्तु का प्रचलन, उत्पादन की नई विधि का प्रचलन, नया बाजार खोदना और डी समस्त, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? चार, डी, डी, वेरी गुड, चार ऑप्शन जवाब आ रहा है, दो कॉलर्स बहुत अच्छे से इशारे आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन, यानी कि ये सुम्पीटर की आपको, सुम्पीटर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत काम किया, तो ये बहुत राइट और करेक्ट आंसर आया हमारे पास। और लास्ट में ये लास्ट ही हमारा ऑब्जेक्टिव, केंज के अनुसार मंदी का प्रमुख कारण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, लाभ में कमी, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है मांग में कमी, सी दोनों, और फिर डी में कोई नहीं। तो मंदी का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? मांग में कमी, मांग में कमी का ही हमने बताया था आपको, क्योंकि मांग में कमी के कारण ही चीजें ये जो है आपको जब केंज का कह रहे थे तो ये सुम्पीटर का आ गया, ये हमने लिखा था केंज के अनुसार मंदी का प्रमुख कारण मांग में कमी है, तो ये उसका ऑप्शन सही आपका सही है, तो वो सही से बताया राजगढ़ की तरफ से। तो ये आपका जो है हम 14th ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे आपके सामने, और यहाँ पर भी हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है, समाप्त होता है। और इसके अलावा कोई क्वेरीज, अब फोन ही काम नहीं, मोबाइल आपका माइक काम नहीं कर रहा तो नहीं कह सकते भाव की, फिर भी ये अपना बेसिकली जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हमने इसमें काफी कवर भी किया है, ठीक है, थैंक यू।